Namaskar and good evening. Welcome to Swaayambhu Senior. The topic today is the joy of helping transform lives. And the guests are Mr. and Mrs. Shah. Mrs. Neela Shah has studied at Holkar Science College and she is MSc in biochemistry. She is also a gold medalist and topped the university. After her children grew up, she developed interest in Vedic astrology and studied Vedic astrology at Bharati Vidya Bhavan. She has earned Jyotish Acharya degree with first division and then pursued research for 2 years. She loves reading and also loves doll making and painting. Her interests are astrology, reading, dharma, and national issues. Her motto in life is do good to people and give back to the society. Coming over to Shri Rakesh Shah. He hails from Aligarh. His father, the late Dr. K.P. Shah, was a very renowned doctor in Aligarh. He is a BSc Engineering Mechanical from AMU. He earned highest awards at university in games and other activities. He was highly active in university politics too. He is the recipient of District and UP Board of Secretary Education Scholarship for 4 years. He was a district topper at high school level. He is an avid reader influenced by books, and his major interests are science and technology journals, including medical journals, and other interests are management, dharma, and national issues. He loves to read the Ramayana, and he believes you give a man fish and you have given him food for a day. You teach him to fish and you have given him food for life. So mentoring, teaching and coaching have been center stage of his life. His motto is help people realize their full potential. So over to you, Anil ji. The joy of helping transform lives. Our guest, Shri Rakesh Shah and Srimati Neela Shah, with our Swaayambhu mentor, Shri Anil Garg. Over to you. नमस्कार मित्रों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में मैं कई लोगों से मिलता रहा हूं और शुरू में हमने कहा भी था कि सीनियर्स जो स्वयंभू सीनियर्स हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलते हैं और कहते हैं कि भाई कल क्या करेंगे। तो कल कहीं एक डिस्कशन चल रहा था तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, तो हमेशा की तरह मैं अपनी कुछ लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ। ये वो स्थिति है, मनः स्थिति है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं या गुजरे हैं, और कैसे उससे पार पाना है उसके बारे में चंद विचार मेरी तरफ से। आज अवकाश प्राप्त हो गया, एक पारी समाप्त हो गई, क्या करूंगा कल से, यह सवाल बार बार आ रहा है मन में। अजीब बात है, जीवन की हर पारी समाप्त होने पर क्या करूंगा कल से यह सवाल तो नहीं आता था। क्यों नहीं आता था यह सवाल? क्योंकि हम उत्तर तलाश लेते थे वो दिन आने से पहले। कैसे नहीं समझे? अरे बचपन बीता तो स्कूल जाने की तैयारी, पढ़ने लिखने की तैयारी, स्कूल बीता तो कॉलेज जाने की तैयारी, कॉलेज समाप्त हुआ तो अगले दिन से शायद एक नई डिग्री की तैयारी, और अगर डिग्री नहीं लेनी है तो फिर नौकरी की तैयारी, वो भी नहीं करनी है तो शायद व्यवसाय की तैयारी, नौकरी चल निकली तो विवाह की तैयारी,
गृहस्थी बसाने की तैयारी, यानी अगले कार्यक्रम की हमेशा पहले सदा से तैयारी, हम लोग यही करते आए हैं। अब अवकाश प्राप्त करना भी तो एक पारी का संपन्न होना ही तो है। अपनी संस्था से एक नई डिग्री लेकर ही तो निकले हैं, डिग्री अनुभव की, डिग्री समाज की, डिग्री सफलता की। अब इस डिग्री को लेकर नया क्या करना है पहले से तय कर लें तो ये सवाल नहीं उठेगा। क्या करूंगा कल से, ये सवाल आ रहा है मन में? नहीं, सब निश्चित किया हुआ है। कल की सुबह नई डिग्री के साथ, नई उमंग के साथ बस चल पड़ना है जीवन पथ पर। तो मित्रों, इतना आसान है। आज रिटायर हो रहे हैं, कल से क्या करेंगे पहले से पता है। बहुत कुछ सिखाया, जहां हमने काम किया, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, उस सीख को लेकर आगे बढ़ना है। और कैसे आगे बढ़ना है इस विषय में आपके साथ हम अलग अलग व्यक्तियों के विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज पहली बार हम एक दंपत्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं, श्री राकेश शाह और श्रीमती नीला शाह। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राकेश जी, जैसा कि आपने इस एवी में सुना होगा, टेक्नोक्रेट हैं, शुरू किया बीएससी इंजीनियरिंग मैकेनिकल, और आपने एक्सपर्टीज जो लिया है, पहले मशीन टूल्स में थे, उसके बाद प्लास्टिक्स पैकेजिंग, एंड लेट मी टेल यू, इन प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग ही इज वन ऑफ द अथॉरिटीज इन इंडिया। He has been in the governing body of the Indian Institute of Plastics too. Before retiring, he decided that whatever he has learned as a technocrat, that he will use to consult, give consulting to various companies. But more than that, he thought he should be doing mentoring and कोचिंग। अब इससे आगे की सारी कहानी आप राकेश जी से सुनेंगे। राकेश जी, कुछ संक्षिप्त में आपका पास्ट, इंस्पिरेशंस, और उस गैप को फिल कीजिए जहां पर मैंने अभी छोड़ा है। बहुत धन्यवाद आपका, और सभी लोग जो सुन रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद कि वो समय निकाल करके यहाँ आए हैं। बहुत कुछ तो नहीं है कहने के लिए, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है ऑलरेडी और मेरा सभी इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा होता है जो हमें कहना होता है और हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक इच्छा होती है कुछ कहने की, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें मोटिवेट करता है। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू से ही, जब मैं पढ़ता था तब भी मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत था कि मैं किसी तरह से लोगों की सहायता कर सकूं। अपने मिले हुए स्कॉलरशिप्स को मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को दे दिया जो गरीब थे, और यूनिवर्सिटी में भी जो हमने जो भी प्रयास किए, वॉट एवर एफर्ट्स आई मेड इन द यूनिवर्सिटी, ऑल्सो इन द पॉलिटिकल एरिना, वेयर एक्चुअली डायरेक्टेड टूवर्ड्स ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स, और गरीब स्टूडेंट्स को कपड़े दिलाना, यूनिवर्सिटी से मदद दिलाना, इस तरह के कामों में मैं स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत बहुत एक्टिव था। मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा करना और मदद करना, और क्योंकि मैं खुद आगे था और गेम्स कमेटी का भी मेंबर रहा एक साल, और उसके अलावा बहुत से दूसरी एक्टिविटीज में था, तो मेरे लिए संभव था कि मैं उनकी सहायता कर सकूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि कैसे करना है। और फिर उसके बाद में जैसा कि होता है, मैं सर्विस में आ गया, और जिस साल मैंने इंजीनियरिंग पास की उस साल बड़ा कठिन साल था। उस साल हिंदुस्तान में करीब 1,00,000 इंजीनियर्स जॉबलेस थे। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे वो जॉबलेस इंजीनियर्स के लिए जो ट्रेनिंग होती थी उसमें मुझे इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, जो अब BIS कहलाता है, वहाँ काम करने का मौका मिला, और वहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई। मेरे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, जो एक श्रीवास्तव साहब थे, उनसे मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा दूसरे के विचार को आगे रखना है,
उन्होंने मेरे लिए कई नौकरियां अरेंज करी लेकिन मैंने सब मना कर दी क्योंकि उनमें कोई ना कोई ऐसी अड़चन थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं तो तुम इस तरह से हमारे किए हुए पर पानी फेरते रहते हो और आगे ना करें। तो उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा कि नहीं, मुझे तो वो तुम्हारे लिए करना जो तुम्हारे लिए ठीक है, जो तुम्हें पसंद आए। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे लाइफ में आई जो इसकी मैंने गांठ बांधी। और मुझे ये लगा कि हम हमेशा अपने व्यू पॉइंट से देखते और ये सोचते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हमें ये बताता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हमें तभी करना चाहिए जब हमें उसके लिए कुछ करने की इच्छा हो। इसलिए हम कभी भी किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करें या उसका विचार भी धारण करें तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं दैट इज आउट ऑफ एम्पैथी एंड नॉट आउट ऑफ सिंपैथी और मर्सी। जी, तो हम अगर एम्पैथेटिक फील करते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये एक अच्छा काम है और हमें करना चाहिए, तभी हमको करना चाहिए क्योंकि उसमें करने में हमें भी प्लेजर होना चाहिए। जी, और जब हम किसी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं तो हम कभी किसी पर कोई एहसान नहीं करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही एहसान करते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी एक लर्निंग थी जो मैंने हमेशा के लिए बांध ली गांठ। और मेरे घर से भी इस तरह की लर्निंग आ रही थी क्योंकि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर बहुत फिलैंथ्रोपिक काम करते थे, दोनों डॉक्टर्स थे और गरीबों का फ्री इलाज हमेशा ही करते रहे। उनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस में से एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्री बेनिफिशियरी होता था, तो इस कारण से हमारे घर की परंपरा से भी ये सीख आ रही थी। और उसके बाद में फिर जॉब्स रहे और हमने कोशिशें करी और भगवान की कृपा से अच्छा ही चला। और उसके बाद में हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर शुरू हुआ बहुत अच्छे तरीके से। वो ऐसे कि जब स्कूटर की फैक्ट्री LML वेस्पा की लगनी थी तो मैं हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टीम का मेंबर हुआ। हम दो जनों की टीम थी और मुझे 1.5-2 महीने इटली जा कर के पियाजियो में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी थी कि सिर्फ यही नहीं कि हम एक टेक्नोलॉजिकल काम कर रहे थे और भारत में एक नई प्रोडक्ट ला रहे थे जो उस वक्त की सबसे एडवांस प्रोडक्ट थी, बल्कि इसलिए थी कि हमें एक यूरोपीय देश में जाकर के पहली बार लगातार 1.5-2 महीने रहने का मौका मिला, जिससे वहाँ की कल्चर, वहाँ की तहजीब, वहाँ के लोगों का व्यवहार और उनकी समझ को समझने का मौका मिला। क्योंकि आमतौर से जब हम छोटे छोटे टूर्स पे सिर्फ बिजनेस के लिए जाते हैं, 2-1 दिन के लिए काम करके लौट आते हैं सिर्फ 4-6 मीटिंग्स करके, तो हमें वो मौका नहीं मिलता है जो मुझे इस तरह से मिला। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए रही और इसने मेरे को आगे चल के बहुत बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी कंपनियों में रहा जहाँ कई सारे कोलैबोरेशंस थे। और इस समझ की और इस सीख की वजह से, उस लर्निंग की वजह से आई वॉज क्वाइट वेरी सक्सेसफुल इन डीलिंग विद द कोलैबोरेटर्स ऑफ आवर कंपनी वेयर आई वर्क्ड। एंड आई वॉज एबल टू वर्क वेरी कंफर्टेबली इन ट्रांसनेशनल सिचुएशंस एंड ट्रांसनेशनल मैनेजमेंट। यहाँ दर्शकों को बता दें कि LML वेस्पा इंडिया में लेम्बरेटा और बजाज वेस्पा के बाद पहला स्कूटर था जो विदेश से बाहर आया था, और उस टाइम वो अपने आप में टेक्नोलॉजिकल मार्वल था और शायद उस टाइम वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी वो अवेलेबल थी जिसकी बात राकेश जी कर रहे हैं, और शायद हम में से बहुतों के पास हो भी। जी, तो इसकी वजह से उसके बाद में खैर लोहिया स्टार्लिंगर एक नई कंपनी आ रही थी और उन लोगों ने ये चाहा कि मैं उनके साथ रहूं। वो LML से ही एक समझिए कि ब्रांच आउट हो गई थी और वहां पर हम लोग नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे थे वोवन सैक के लिए और वोवन फैब्रिक के लिए प्लास्टिक के, जिसे हम आजकल अक्सर HDPE या PP बैग कहते हैं, PP वोवन बैग कहते हैं। वहाँ आप मशीन प्लास्टिक में शिफ्ट हुए? हाँ, असल में मैं सेल्स से परचेसिंग में शिफ्ट हुआ क्योंकि LML में मैं पहले परचेसिंग में था और वेंडर डेवलपमेंट में था। मैंने काफी टेक्सटाइल मशीनरी के लिए बहुत बड़ी परचेसिंग करी, अपने वेंडर्स पूरे इंडिया में डेवलप किए थे और फिर परचेसिंग से मैं प्रोजेक्ट में आ गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। उसके बाद में मैंने स्कूटर की फैक्ट्री लगाई और उस टीम के हम लोग जो 4-6 की मेंबर थे उसमें से मैं एक रहा। ये भी मेरा एक सौभाग्य था जो बहुत बड़ी लर्निंग वहां भी रही। और उसके बाद में फिर ये शुरू हो गया और एक वापस मार्केटिंग में आ गए
और मैंने उस वक्त वो टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी और जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे थे उनकी कीमतों में और जो अवेलेबल मशीन्स इंडिया में चलती थी और जिन पे बोरे बनाए जाते थे या इस तरह के प्लास्टिक के काम होते थे उनके प्राइसेस में कोई रेशो नहीं था, कोई एक्सपोनेंशियल रेशो भी नहीं था. मतलब दो अलग, दे वर टू डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट थिंग्स, एंड द होल यू नो द प्राइस कॉन्सेप्ट वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, क्वालिटी कॉन्सेप्ट वॉज वेरी डिफरेंट. सो इट वॉज क्वाइट अ चैलेंज टू स्टार्ट डेवलपिंग द मार्केट फॉर दीज मशीन्स. And people used to actually ask me very, you know, sometimes funny questions. Sometimes they used to be quite aggressive also because they would not like to like the price. Because at that time, the understanding of technology was not good enough. So I used this time and I can say with a certain amount of joy and pleasure that I was able to establish this technology in a very big way, of course, with the support of the company. एक्चुअली वो टाइम था जब पैकेजिंग इंडस्ट्री ने मेजर शिफ्ट किया इंडिया में. उसके पहले सब बोरे या पेपर या गत्ता यूज होता था. दैट वाज द टाइम व्हेन वी शिफ्टेड टू दिस सिंथेटिक मटेरियल एंड द पैकेजिंग चेंज्ड एंड देन द कंज्यूमर पैकेजिंग चेंज्ड एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और अभी तो लोग जानते हैं कितना फॉर्म फिल एंड सील मशीन्स होती हैं और ऑन द लाइन व्हेन पीपल विल बी नोइंग कि आज अगर तेल बना रहे हैं आप तो तेल की बोतल भी लाइन में वहीं बनती है और वहीं साथ के साथ भर जाती है या चिप्स है वहीं बनता है वहीं बन जाता है. पहले तो ये सब कुछ नहीं था. तो दैट वाज अ मेजर शिफ्ट इन दिस. तो एंड यू हैव बीन वर्किंग ऑन दैट. तो सर वहां से हम एक्चुअली आते हैं अपने मेन आज के सब्जेक्ट पे कि आपने पहले मशीन टूल्स में थे, फिर उसके बाद आप प्लास्टिक्स में आए, फिर उसके बाद आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में गए, वो सब ठीक है. तो वहां से आपने you actually got a lot of execution, management and design, etc. experience. Then when you were retiring, you decided that you want to be a coach. So tell me some one or two incidents which happened during your profession which actually motivated you to become a coach. Okay, so let me say that my interest in human resource development came in early, even when I was myself just finishing my training. But actually, LML and Scooter Plant and then Lohia Starling, they gave me a very big chance to work on this, because I was in all places, in all these three places, I was responsible for designing training programs and human resource development, and therefore, I was deeply involved. And this also offered me the opportunity to look at humans, my colleagues, my juniors, up close. और मैंने ये देखा कि लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, जो जिन लोगों को हमारे जो स्टाफ परफॉर्मर्स थे, I found that there were times, occasions when their performance began to suddenly decline. And you know, and then as their performance began to decline, their anxieties increased, and it was then further compounding the decline of their performance. And to me, for the first time, this came as quite a challenge, because I was wondering what to do with these people, and then I began to think about it. And at that time, we did not have any structured system by which I could train myself or I could go to some kind of retreat or this or that. I mean, we didn't have the sophisticated tools that we have today for management development and pedagogy. And therefore, I had to think about it. And I realized that it is not the work, it is something else. And I began to investigate it. And then a very interesting story was that a person who was one of my best performers, his performance declined substantially, and he was obviously anxious, and it was visible. And I asked him, but he would be reticent and he would not speak about it. So I invited him to my place. And then I talked to him and I found out that the problem was in his home, and it was a family issue, basically. And it gave me an opportunity to counsel him in a certain way. And fortunately it worked. And then his performance, you know, it actually skyrocketed within months, everything changed again. So this gave me the idea that this was coaching people in a certain way,
which was different from mentoring, was an outside the scope of training and mentoring, I realized that it was so very helpful to people. And this then happened several times in my life, in my working life, and I was able to get these people back on their track and, you know, to recover or to exceed their past performances. And this is what motivated me so much. The unfortunate part is that you have been in a very senior position. I have also been in some reasonably okay kind of a position. And I meet my friends. And what we find is most of us do not spend time on actually looking at the people other than just the delivery. And unfortunately, today's system of the so-called quantifiable performance has become so rigid that we just say, aapke 5 parameter the, aapne is 5 parameter mein aapka total score ye aa gaya, aapka ye promotion ho gaya, ye increment ho gaya. And we actually don't look at where the value system is going. So, iske liye, unfortunately, as per my knowledge, today the business schools do not train people how to carry the people along. Jaise for example, एक टिपिकल लाला को ले लीजिए, उसके पास 5-6 आदमी काम करते हैं, दुकान है या कुछ स्टोर है, वो देखता है एक लड़का ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इवन उसके दिमाग में भी आता है यार इस लड़के के बस की ना सामान अलमारी से निकालना नहीं है, लेकिन ये बिल बना सकता है, तो अच्छा कल से तू बैठ के बिल बनाया कर. एंड बट दिस इज वॉट वी मैनेजर्स समहाउ फेल टू डू. आई डू नॉट नो वाई, बिकॉज वी हैव अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड वी हैव अ जॉब प्रोफाइल, हम उसी को स्टिक कर जाते हैं. तो सर, आप जिस कोचिंग की बात अभी कर रहे हैं, जो आप अब करते हैं सीनियर मैनेजमेंट की, हम उस पर डिटेल में भी आएंगे, तो क्या वहां ये भी सिखाते हैं कि अपने लोगों को कैसे ऊपर लेके जाना है? नहीं, एक्चुअली आई एम जंपिंग द गन, लेकिन नहीं, बिल्कुल, योर क्वेश्चन इज परफेक्टली वैलिड एंड इट इज वेरी वेल टाइम्ड. लेट मी फर्स्ट से दैट जो आपने बात कही, मैं पहले तो उसको कॉरोबरेट करना चाहूंगा छोटा सा, और बहुत वक्त नहीं लूंगा, कि आई थिंक द एम्फेसिस ऑन मैट्रिसेस एंड केआरएस हैज बिकम सो हाई एंड पीपल आर सो मच हरी दैट द मैनेजर्स आर नॉट एबल टू डिवोट टाइम आर नॉट विलिंग टू डिवोट टाइम टू रियली डेवलपिंग पीपल इन द रियल सेंस. सो दे प्रेफर टू ट्रेन पीपल एंड समहाउ स्क्वीज परफॉर्मेंस आउट ऑफ देम rather than building them up so that the performance comes by itself. So the people are then pressured into performing rather than enjoying performing. The idea should be to be able to enjoy the performance, to be able to, because when you love a job, you never get tired and you don't feel that you are constrained or you are under strain. So you can work 10 hours and still feel very fresh. And if you're not loving your job, working 1 hour is like a century. So this is, and the second thing is that we don't also devote time, as you rightly said, to examining the real abilities of the people and to be able to stimulate them in a certain way and to give them impetuses or create interventions which these people, through which these people can do better, which means, for example, redeployment. So we don't think about redeployment strategies, and as you rightly said, कि अगर वो बिल बना सकता है तो हम उसे बजाय बिल बनाने के लिए कहने के नौकरी से निकाल देते हैं. बिकॉज वी आर इन टू मच हरी एंड वी डोंट वांट टू, बिकॉज इट्स फॉर अ मैनेजर इट इज एक्स्ट्रा वर्क टू वर्क ऑन पीपल एंड ओनली दोज मैनेजर्स कैन वर्क ऑन दिस हु रियली एंजॉय डूइंग इट, हु रियली बिल्डिंग अप पीपल, हु एंजॉय सीइंग देम ग्रो. एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग बैक टू द सीनियर मैनेजर, यूजुअली, सॉरी, अनफॉर्चुनेटली बड़े कॉर्पोरेट्स में आज की तारीख में हम लोग ये सोचते हैं ये एचआर का काम है. एचआर को इनपुट कौन देगा? एचआर तो बंदे के साथ डेली सारे टाइम नहीं बैठता, बस सारे टाइम तो आप आदमी के साथ आप ही लगा रहे हैं, तो अनलेस द टाइम इट डजंट वर्क. सो अब मुझे समझ में आता है जो आपने कहा आपका मोटो है कि भाई टू हेल्प पीपल रियलाइजिंग देयर एक्चुअल पोटेंशियल. तो अब मुझे तो समझ में आती है कि आप क्यों आप उसको कहते हैं वो आपका मोटो है. तो थोड़ा सा सर, मैम बैठी के बोर हो रही हैं तो मैं चल नीला जी से बात करूंगा. तो आप जरा बताएं कि आप साइंस स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी की आप स्टूडेंट थी, वहां आपने टॉप किया,
उसके बाद बायोकेमिस्ट्री उसके बाद आप कैंसर पर रिसर्च कर रही थी एम्स में एंड देन यू शिफ्टेड टू अ फील्ड लाइक एस्ट्रोलॉजी तो ये कैसे हुआ बस ये ऐसा हुआ कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए एक्चुअली साइंस लिया था शुरू से तो नेचुरली इंक्लिनेशन उसी तरफ था लेकिन क्या हुआ कि बच्चों के लिए जब सोचा कि शादी ब्याह के लिए जब विचार करने लग गए उन दिनों सब लोग मैच मेकिंग मतलब हॉरोस्कोप मैचिंग का बहुत ज्यादा था अब पता नहीं अभी आजकल भी है कि नहीं बहुत था तो उस चक्कर में कभी जाना पड़ता था मैचिंग कराने हॉरोस्कोप तो जो पंडित जी बोलते थे कुछ मतलब समझ नहीं आता था तो मुझे अपने आप ही क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि क्या चीज है व्हाट इज दिस सब्जेक्ट अबाउट नॉलेज गेन करने का ही मेरा वो हुआ और लकीली क्या हुआ कि उन्हीं दिनों सडनली मेरा ध्यान गया एक एड आया था न्यूज़पेपर में भारतीय विज्ञान भवन का एस्ट्रोलॉजी कोर्स का वो एकदम मेरी नजर पड़ गई ये सारे जो है ना ये डिस्टाइंड होता है कि अब क्योंकि आई नो द सब्जेक्ट वो प्लेनेटरी कैसे क्या चल रहा है तो वो यही हुआ होगा तो बस मैंने वो अप्लाई किया वहां पर फिर इंटरव्यू वगैरह हुए टू सिलेक्ट द स्टूडेंट्स और मेरा सिलेक्शन हो गया और इट वाज स्टार्ट हो गया इस चीज का दो साल एंड आई वाज लकी कि बहुत अच्छी फैकल्टी है वहां पर सिलेबस बहुत बढ़िया थॉरो है तो आई थिंक यू एंजॉयड द सब्जेक्ट द फुल टाइम कोर्स है हां फुल टाइम है ऐसा है कि उसमें पहले साल अलंकार वो लोग देते हैं सर्टिफिकेट उसमें बेसिक होता है बेसिकली एंड दो बार एग्जाम्स होते हैं सिक्स मंथली एंड फाइनल दोनों में पांच पांच पेपर्स होते हैं बिल्कुल प्रॉपर जैसे कॉलेज में या स्कूल में एग्जाम्स होते थे ना बिल्कुल सिमिलरली वहां पर होता है बड़ा मजा आता था और फाइनल में आचार्य के देते हैं उसमें भी 10 पेपर्स करने होते हैं मैच मेकिंग की अब आप बात कर रही हैं तो मेरे को अभी ध्यान आया मैं आप लोगों का प्रोफाइल देख रहा था तो राकेश जी तो अलीगढ़ के हैं और गुजराती हैं जी और आप महाराष्ट्रियन हैं और इंदौर में पली बढ़ी हैं बिल्कुल तो ये आप लोगों का मैच कैसे आप लोग कहीं मिल गए थे या मैच मिल गया था या क्या हुआ नहीं ये हुआ कि हमारी शादी कैसे हुई ये तो इट वॉज एन अरेंज मैरिज इनकी जो मासी मासा जी वहां पर थे भोपाल में एंड मेरे फादर वहां पर पीडब्ल्यूडी में थे उन दिनों हम लोग छुट्टियों में जाया करते थे तो इट वाज द प्लान ऑफ हिज मासी बेसिकली उन्होंने ये सब प्लान किया था पर दूसरा मैं कहूंगी नोइंग द सब्जेक्ट ये सब ऋणानुबंध है जो बोलते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन तो ये ऋणानुबंध होता है हम लोग किसी न किसी जन्म में मिलते हैं हमको एक दूसरे का कुछ ऋण चुकाना होता है और ऋणानुबंध बोलते हैं इसको तो इस तरह से मुलाकात हुई पर बानक बनी इनकी मासी उन्होंने प्लान किया और टोटली इग्नोरेंट अबाउट दिस एंड वो इस तरह से लेकिन हो गई आगे ऑन टॉप ऑफ इट इंटरकास्ट एंड देन इंटरस्टेट और ये हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी घटना क्योंकि आई वॉज द मिडिल डॉटर इन माई फैमिली वी आर फाइव सिस्टर्स टू ब्रदर्स तो मैं मिडिल थी मेरा तो कोई शादी के लिए ना कोई बात भी नहीं थी और हम इंटरेस्टेड भी नहीं थी मैं उस वक्त तो हम लोग जो है पढ़ने में सभी हम लोग सब पढ़ने में बहुत अच्छे थे मतलब थ्रू आउट फर्स्ट डिविजन कोई ना कोई पोजिशन जरूर होती थी विद इन वन टू थ्री ऐसे इसमें आते थे तो पढ़ने का ही और एम्बिशन भी बहुत था कि करें आगे कुछ तो शादी का नहीं सोचा था लेकिन ये है कि जो होना होता है वो हो जाता है जैसे बैठे तो बैठे अंतर मिल गया इस तरह से हुआ क्या बताएं तो फाइनली जस्ट अ लाइट क्वेश्चन हु इज द लकियर मी टू बिकॉज़ ऐसी चीजें हैं कि मतलब आई हैव लर्न फ्रॉम हिम आल्सो मेनी थिंग्स जैसे कि उस वक्त तो हम अपना सब्जेक्ट है अपना छोटा सा एनवायरनमेंट है उतना ही था इंटरेस्ट ये उतनी दुनिया देखी थी फिर इनके साथ तो बहुत एक्सपीरियंस इनका मतलब थोड़ा तो मार्केटिंग की भी मुझे समझ आने लग गई है कि हाउ इट इज अप्लाइड इन डे टू डे लाइफ सेलिंग ये सब मतलब
because he is very knowledgeable overall. तो वैसे तो personality develop हो ही जाती है एक दूसरे से. आज तो आपकी बहुत तारीफ हो रही है, क्या बात है. देखिए कमाल है. कई बातें हमको भी पता चलती हैं. बहुत सी चीजें मतलब वो मुझे शौक था वो इनको भी है. इस तरह से it was good. So coming back, तो एक सवाल जो है जो लोगों के मन में रहता है और शायद समझ नहीं पाते हैं कि ट्रेनिंग, टीचिंग और कोचिंग तीनों में डिफरेंस क्या है. देखिए ट्रेनिंग जो है वो टारगेटेड होती है टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क सिचुएशन. Training is usually a very structured program and has to be delivered in a certain systematic way in which the whole thing is planned, compartmentalized or cataloged and taught in the same way, and then a certain amount of practice which may be on the job or outside job in laboratories or in workshops or whatever else, but that is training. Training prepares a person to discharge a particular job, to execute a particular job. That is what training is about. Whereas mentoring is helping a person to grow through giving him, intervening with him in his actions. For example, if a salesperson comes to me and he is trying to break into a client's thing. Company, and he wants to sell something there, and he is not, for example, he is not able to communicate with the client, or the client is not listening to the person or doesn't want to see him for any reasons. Mm-hmm. So he is distressed, and he comes to the person who is his mentor, and he asks the mentor or he explains his problem or his situation to the mentor. And now it's for the mentor, because frequently the person will probably say that I'm still trying, sir. Mm. It's for the mentor to understand that the person is stuck. Mm. And in this situation, the mentor will advise him as to how to go about this situation, how to break into the shell in which the customer is, how to approach the customer in a way that he begins to listen to you. Because I always say that you hardly ever sell anything to anyone. People buy. You are only representing, and you are communicating what you can do for them, and what is the value of your services or your products or offerings. And therefore, finally, the buying decisions are with the customers. Yeah. So when people say that we are selling, actually, I always say that people are buying, actually. And for the people to buy, the most important and most critical step for a salesperson is to be heard. Yes. Because most people don't get heard, and when they get heard, they don't know what to say. And that is where the mentor comes in, and he guides the person as to how he should conduct his behavior, how he should conduct his, let's say, things, so that he can do what he is doing and get out of his immediate problems and develop himself to perform better in this job, strictly as far as job is concerned. And coaching? Now in coaching, what happens is that a good performer, now this is distinct from mentoring in the sense that a good performer sometimes no longer performs well. I gave you an example, and this happens at senior levels. It happens more often, more frequently than we normally understand or we see from a distance. And some people who are looking, doing very fine in their lives, appearing to be doing very fine in their lives, as a matter of, can be pretty distressed. And that is that leads to burnout, that leads to, cardiac conditions, they lead to a lot of, psychological conditions, maladjustment and things like that. Even during this COVID lockdowns, we know that worldwide, the mental issues or the psychological issues have risen very much. Because of the similar anxieties, because people don't know whether they will stay in the job afterwards and how long they will remain there, whether they are performing or not, because there's no longer interaction with their teams and bosses directly. It's only through emails or phones. Yeah. So they don't know where they stand with the company, and therefore they are suffering from constant anxiety, and therefore it is leading to a kind of stress, builds up stress, which
destroys their personality, which destroys their performance. And the reason is not because someone else is thinking something about them, but it's because they are thinking about themselves and they don't know what to do. So, sir, isko thoda samjhane ke liye, let me try and make it simpler for my viewers. Aaj ki tarikh mein ek company hai, us company ke paas kuch 8, 10, 15 firebrand senior managers hain. Aur company ko ye mehsoos hota hai ki mere managers shayad utna perform nahi kar rahe jitna inko karna chahiye. पुराने जमाने में ऐसी स्थिति में जो सीईओ था या ओनर होता था प्रोप्राइटर वो बुला करके डांट वाट देता था और कहता था भैया अगली बार तुमको इंक्रीमेंट कम देंगे या अगली बार तुमको निकाल देंगे जो भी है तुम्हारा एक असिस्टेंट ढूंढ लेते हैं लेकिन आज की तारीख में आई थिंक द ट्रेंड्स हैव चेंज एंड बिफोर रिमूविंग अ पर्सन और बिफोर टेकिंग अ ड्रास्टिक स्टेप अगेंस्ट अ पर्सन टुडे द कंपनी इज एक्चुअली try to see whether that person can come out of that problem. तो उसके लिए आज की तारीख में एक कोच की तलाश होती है और कोच का तलाश टेक्निकल वर्क के लिए नहीं है बेसिकली उसका मेंटल ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए वो आदमी जो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है he may have a personal problem, he may have a problem in the office itself. Many times the office, the organizational dynamics creates a problem in the mind of the people. Dusra mere bare mein kya sochega, pata nahi meri performance theek nahi thi, kya hoga mera, all that kind of things happen. So that is where today a coach is appointed. And normally it is one-to-one. This is all this I did not know. I have learned from Rakesh ji just in last couple of interactions. नहीं थोड़ा बहुत वैसे आता था क्योंकि मेरे को भी एक बार एक कोच मिला था लेकिन इतना नहीं आता था जितना मैंने अभी सीखा तो इसमें दो बड़े मैसेजेस हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूं हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें हम लोगों की कैसे हेल्प करें तो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप लोगों को ये समझाइए कि भाई आपको अपनी परफॉर्मेंस अगर आपकी गिर रही है तो आपका दूसरा परफॉर्मेंस अच्छा आ जाए उसके लिए आपका पोटेंशियल कैसे ढूंढें हेल्प पीपल फाइंडिंग आउट पोटेंशियल्स डिस्कसिंग विद देम इट डज नॉट मैटर वेदर यू नो दी ट्रेड दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन यू हैव टू कीप टॉकिंग टू देम कीप गिविंग देम एग्जाम्पल्स क्योंकि आपके पास 30-35 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिमाग में इकट्ठी हो जाती हैं So this is one thing that I think most of us who have had a successful career can do. And it just requires a breaking up of a hitch. However, what Rakesh ji does is something much, much higher. This is just the introduction of what he does. So sir, aapne iske liye ek formal certification kiya. Iske baare mein thoda bataiye. Aur ye certification mere khayal se बहुत कम जगह अवेलेबल होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए जी तो जैसा कि आपने कहा कि जो लोगों को लेट मी जस्ट एलैबोरेट वेरी ब्रीफली ऑन दिस और पॉइंट ऑन दिस स्लाइटली कि जो कोच का फंक्शन ये है कि बिकॉज इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग द कोच इज अ पर्सन हु इज कोचिंग अ पर्सन and not for a particular job because the idea is to re-empower the person who has lost empowerment because of his own, and to remove his self-limiting beliefs to help him to remove because no other person can do what you can because all the potential is inside you yeah. all the solutions are inside you but there are self-limiting beliefs there are also some kind of complications there are also let's say social stigma about things or you know these are all thoughts which people have for example in a succession battle brothers between two brothers one may say okay wo bade bhai hai I can't say anything to him bada bhai says chota bhai hai I can't say anything to him. So they refuse they can't communicate and the problem remains and as it remains it festers and grows and eventually the companies suffer and both of them suffer so that is where the coaches come in and they help them to find their real potential they help them to re-empower themselves they help them to find their own solutions
They help them to identify what is limiting their performance and then to overcome that block. So this is exactly the kind of job it is. And therefore, the job of the coach is to go on a journey along with the coachee and help him to find himself where he has lost himself. And therefore, he can regain his confidence, his power, and therefore can again start performing. So this is where the role of the coach comes, and this is where it also ends. The coach does not normally advise someone, but more and more it happens that because the relationship between the coach and the coachee is quite, in a certain way, it's very intimate, because the coachee opens himself up before the coach, and there's a huge amount of trust between them. And that's why a lot of secrecy around it, because a coach is not supposed to divulge to anyone who he's coaching and about what. And usually there's an agreement to that effect as well. So it so happens that many times in coaching jobs, especially at senior levels, certain amount of mentoring or help by way of suggestions can come in. For example, one may suggest somebody to read something, or read a book, or read something else, or approach someone else to get certain kind of help, and so on. So, which means the coach helps him in many ways in which he can regain his performance and exceed his performance from before. His own problem. Yes. The root cause of the problem. And he will also, he will know the solution to it also. Yeah, going within himself. So this is it. So usually a coach will avoid being the mentor, but mentoring sometimes does come in. छोटा सा सवाल, एक आइडिया दिमाग में, कभी कभी खुराफात आती है थोड़ी सी. आप किसी को कोच कर रहे हैं और नीला जी तो ज्योतिष हैं, तो वो आप पहले से बता देंगे कि ये आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है. Exactly. जैसे मेरे को भी स्ट्राइक हुआ है जब ये आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि पर्सन स्टार परफॉर्मर सडनली ही इज फाउंड कि ही इज नॉट डूइंग वेल, समथिंग इज रॉन्ग हैज हैपेंड. तो यहाँ पर मेरे दिमाग में आई कि एस्ट्रोलॉजी विल टेल, हिज चार्ट विल टेल कि दिस आर द पीरियड वेयर इट इज बाउंड टू हैपन. आधा काम कर रहे हैं आप, इनको साथ रखा करिए कोचिंग के टाइम पर भी. एंड हियर द रेमेडीज कम इनटू प्ले, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज ऑफ कोर्स. तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया ये बोल रहे थे ना जब आपने स्टार्ट किया, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि जब आपके पास लोग आते हैं और अपने सवाल पूछते हैं, तो आप कुछ रेमेडी भी बताती होंगी. हाँ, तो आप एक्चुअली वहां भी कुछ काउंसलिंग इन्वॉल्वड है? बिल्कुल. जो एक्चुअली इसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी आई ऑलवेज मेंटेन एंड वन शुड मेंटेन, बिकॉज हम लोगों को शुरू में ही जब पढ़ाया जाता था, पहले तो हमको क्वालिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजर भी एक उसमें चैप्टर था, बहुत सारी क्वालिटीज वन शुड हैव इन दिस थिंग एस्ट्रोलॉजर. तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो बहुत जरूरी है. तो इससे फिर वो ही इज एट कंफर्ट, जो आता है वो ओपनली ही टेल्स. जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा तो ही शुड टेल ऑल द प्रॉब्लम्स क्या है. तो वो बिकॉज जो भी है हमारा होरोस्कोप, इट विल टेल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो अंटिल एंड अनलेस ही टेल्स what is the problem he is facing, तो फिर उस एंगल से हम देखेंगे उसको. Because सारे aspects को थोड़ी apply करेंगे, मतलब उस वक्त क्या चल रहा है, then we will see other things जो जरूरी है, and then we will. राकेश जी, coaching का coach कर रहे हैं, I can understand it will not be a time bound program. Or with time bound, because there's a limited time and performance should improve in a given time. If so that is not, how is the improvement measured? Usually it shows in performance, and it shows also in the coachee directly understands and knows how he is going. For example, if he is having a difficulty in the company, supposing there's a political situation or there's a boardroom battle and he is not able to perform there and so on. So then he knows whether his performance, and if the coaching is failing,
then coach has to assess whether the whether he's coaching in the right way or whether the person needs therapeutics or whether the person needs something else and should give the right advice and step back from there. So and why as because the question you asked me was why I chose it, well, because it has been my abiding passion to help people to find their full potential. That's the reason I went in for it. And I joined the course that was International Coaching Federation. It was done under Mrs. Mona Kotian. She is in Bombay. And she's an outstanding coach herself. And I was very lucky to be trained by her. So, well, it took me quite some time and several months of training in classroom and a lot of work. Then you have to go through an examination and then you have observed coaching programs through which senior coaches who are your observers, they watch you and you have to pass all that. So sir, teaching mein एक वो बी एड या इस टाइप का कुछ होता है जहाँ टीचिंग सिखाई जाती है कि भाई हाउ डू यू टीच एंड देन देयर इज एन एग्जाम प्रैक्टिकल, तो कोचिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है क्या? हाँ, कोचिंग भी सिखाई जाती है. सब लोग, जरूरी नहीं है कि कोई कोच सीख करके ही बने, बिना सीखे भी कोच बन सकते हैं. और बहुत सी कोचिंग हम लोग लाइफ में वैसे भी करते हैं और जो हमने सीखी फॉर्मली नहीं सीखी हुई होती है. फॉर्मल लर्निंग का सिर्फ ये फायदा होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि हमारे एक कोच के क्या लिमिटेशंस हैं वो और क्या उसके उसके पॉसिबिलिटीज हैं. बिकॉज कोच हैज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो सफर फ्रॉम सर्टेन लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. एज आई सेड टू यू दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज सो हाई दैट आई कैन नॉट गो एंड आस्क माय एस्ट्रोलॉजर वाइफ व्हाट विल हैपन टू दिस गाय, यू नो. But if as long as you have confidentiality between two of you, you probably might do that. No, but then you will not do that. So, sir, if the coach permits me, then I can do that. But the other way of looking at it is that if he got into a problem because of a certain configuration of his stars at a particular time, the chances are that he finally found a coach when the configuration was also calling for a coach. And then he would probably get out of the situation because that is when that configuration is changing. And for him, the life will resume as it was or better. So possibly this fills the gap in time during which his bad dasha or durdasha, whatever it was, would probably change. Sir, one question. Suppose I want to have you as a coach. Is there any prerequisite for me to become a coachee under you? No, there is no prerequisite. I mean, usually there is a pre-coaching meeting. There's one meeting in which we introduce each other. And of course, not in your case, but in general, I'm saying that when it is new, a new client. I'm talking in general. And then a certain amount of confidentiality and trust has to be built because this is a job which requires utmost trust. Can this happen that when you meet first time this person for introductory meeting, you may feel, no, I'll not be able to coach him? Yes, it can happen. It does happen and you don't want to coach because you know that it is outside your scope or outside your possibilities. Possibly his type of situation is that you are not the appropriate person to train him or coach him or mentor him or whatever. Or if he needs therapeutics or if he needs some other kind of intervention, then you are not should not be offering the service in that case because that would be also unfair. So ma'am, aajkal ek cheez hum bahut sunte hain aur YouTube pe interview bhi YouTube pe bhi dekhte hain, prashn kundli bolte hain. Ye prashn kundli kya hai? Wo kehte hain ki jaisa mujhe samajh mein aaya ki agar maine ek sawal pucha hai तो जिस टाइम पर वो सवाल वो एस्ट्रोलॉजर ने देखा उसके बेसिस पे वो उसका जवाब बना देते हैं. हाँ जी. तो ऐसा ही है. हाँ, मतलब प्रश्न कुंडली में यह है कि आपके पास उस वक्त बर्थ चार्ट नहीं है, लेकिन ये एक जिस वक्त वो सवाल पूछा गया है, जैसे आजकल फोन पे भी पूछ लेते हैं,
तो किसी ने रिसीव किया फोन, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर को जिस वक्त वो सवाल पता लगा, दैट टाइम ही विल टेक एज अ बर्थ डेटा. प्लेस तो है ही उसकी, उनके घर की जो भी प्लेस है, एंड टाइम, टाइम प्लेस एंड डेट. इस तरह से वो जैसे नॉर्मली और उसको चार्ट किया जाता है, उस तरह से इसको करेंगे. और फिर इसको जो रूल्स अप्लाई करते हैं, इसमें स्पेशल रूल्स भी होते हैं, साथ में जो नॉर्मल रूल्स एस्ट्रोलॉजी के हैं वो भी अप्लाई करके, मतलब हर तरह से, दोनों तरह से देखा जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. तो नॉर्मली प्रश्न बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है. आजकल तो खैर सॉफ्टवेयर आ गए, इसलिए सब लोग उस पे ही डिपेंड करने लग गए, चार्ट कर लिया. लेकिन जब हम लोग किया करते थे तो भी 5-7 मिनट में ही हो जाता था, हम लोग को प्रैक्टिस हो रही थी. अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं तो आप उसका 5 मिनट के बाद जवाब दे पाएंगे? अभी मुझे सॉफ्टवेयर में ही जाना पड़ेगा, मैं अब क्योंकि वो प्रैक्टिस ही मैंने छोड़ दी है. कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व होता है उसमें थोड़ा बुक का भी सहारा लेना पड़ता है, फिर मेरे से वगैरह वो सब डेटा देखना पड़ता है, यूजिंग दैट डेटा. ऐसा है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, the pandemic, what has happened is lot of private YouTube channels have come in. Yes. वहाँ पे कुछ तो ऐसे हैं जो entertainment channels हैं, कुछ ऐसे हैं cookery के हैं, कुछ ऐसे हैं जो mythology की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूँ tarot और ज्योतिष के, बहुत सारे बहुत है. जी, बहुत है. तो उसमें एक तो ये है कि वो कहते हैं जी नीचे मैंने नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, फिर आपको जो आपको हेल्प चाहिए हम करेंगे. वो आई कैन अंडरस्टैंड कि फिर वो दैट इज लाइक टिपिकली अप्रोचिंग एन एस्ट्रोलॉजर. कीप डूइंग प्रेडिक्शन ऑन डे टू डे इवेंट्स, पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक टुडे एंड लाइक इन लास्ट 2-3 डेज आई सॉ लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस ऑन 21st of December. अच्छा, 21st December को कुछ ऐसा होने, ऐसी स्थिति बन रही है कुछ ग्रह की जो 60 साल में एक बार बनती है, एंड पीपल आर सेइंग देयर विल बी लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स एंड लॉट ऑफ अनरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इन इंडिया आल्सो एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाटएवर. तो ये जो है इनके लिए पर्स चार्ट कहाँ से आते हैं, मतलब जो चार्ट है किस बेसिस पे बनाते हैं ये तो जो प्लैनेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग है ना, तो वो इसको बोलते हैं ट्रांजिट, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन प्रेडिक्शन दिस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. विदाउट ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स, नोइंग द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, करंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, वन कैन नॉट प्रेडिक्ट. नहीं, वो आपने देख लिया. हाँ. लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप इंडिया के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करना चाहते हैं जी, और आपने आज की प्रेजेंट की पोजीशन दी, तो इंडिया का बर्थ चार्ट कौन सा लेंगे आप, वो किस हिसाब से बनाते हो? इंडिया का लिया हुआ है बर्थ चार्ट जो 15 अगस्त वाला रात को 12 बजे वो बना हुआ है इंडिया का चार्ट, उसमें जो एक फिक्स वही है, वही चल रहा है इंडिया का चार्ट. और मैंने देखा जो बोलते रहते हैं, जैसे उनको पूछा जी वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का क्या होगा, तो वो देखते हैं कहते हैं जी ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी इस डेट को इतने बजे हुई थी. हाँ. उसको वो उस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का टाइम मान लेते हैं. हाँ. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस. ओके, वो जितने भी जिसका भी जिससे कंसर्न साल है तो उस वाले स्टेट का या उस चीज का चार्ट एक तो होना चाहिए. और जो आजकल जो ट्रांजिट चल रहा है जिसको गोचर बोलते हैं हिंदी में उन प्लैनेट्स को, तो जो बर्थ चार्ट है उस जगह का, उसमें ये प्लैनेट्स जो है आज की तारीख में या जिस भी तारीख में किस किस हाउसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 12 हाउसेस हैं चार्ट के, दे सिग्निफाई सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ या प्लेस या इवेंट्स, तो वो देखना पड़ता है कि ये क्या कौन से हैं. On that basis, वो prediction होता है. And on the basis of the दशा, जो आपने सुना होगा दशा का, दशा system, दशा pattern, तो वो कौन सी चल रही है और उसका भी क्या place है in the birth chart, वो सब देख के एक prediction का आता है.
सो नॉर्मली जो आपके, एक तो ये हो गया आपके पास कुछ लोग आएंगे कि भाई मेरा ये मेरी देख करके मेरा बता दीजिए, ये तीन सवाल हैं बता दीजिए, तो आपने बर्थ चार्ट बनाया बता दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से ही जिंदगी जीते हैं। एक्चुअली हाँ वही तो है, तो पहले फोन पे पूछेंगे चीज था ये करना है कर लूं नहीं कर लूं, गाड़ी खरीदनी है। हाँ, बहुत से होते हैं उनका मतलब वो ऑब्सेशन सा ही हो जाता है शायद। तो हम तो बिल्कुल भी ऐसे एडवाइस नहीं करेंगे बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं तो उल्टा कहूंगी क्योंकि इसका प्रिंसिपल ही बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गीता जो कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म फल है, रीबर्थ है, आप जो करोगे कर्म उसी का आपको फल मिलना है, एंड वो कर्म जो है जब भी किया होगा दैट विल फ्रक्टिफाई। ये जरूरी नहीं कि तभी के तभी हो, बहुत से कर्मों का फल तभी के तभी मिल जाता है और बहुत से कर्मों का फल सालों साल या दूसरे जन्म में जाके मिलता है, मिलता जरूर है और भोगना भी जरूर पड़ता है। इट कैन बी अलीविएटेड आई थिंक ओनली बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड या कोई स्पिरिचुअल या कोई अवतारी पुरुष या संत पुरुष, सिर्फ जरूर होता है ये चीज। रेमेडीज भी कुछ हद तक क्योंकि रेमेडीज इज व्हाट मैं मतलब जनरली रेमेडीज इज टेकिंग ब्लेसिंग्स, उनका मंत्र करो ये करो, तो यू क्रिएट अ कनेक्शन विथ गॉड एंड गॉड इज वेरी काइंड। तो मैं मतलब मेरी बिलीफ में बता रही हूँ कि ये होता है कि एलिविएशन, थोड़ा बहुत एलिविएशन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है जैसे अब हमारे इसमें कहते हैं कि मार्केश दशा, मार्केश दशा किसी को बोल देंगे तो डर जाएगा वो आदमी, पर ऐसा नहीं है। मार्केश दशा में मृत्युतुल्य कष्ट मिलेगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जरूरी नहीं कि आपकी डेथ ही हो जाए, हो सकता है कोई सीरियस इलनेस हो जाए या मतलब हर तरह से आपका प्रॉब्लम ही आ जाए, नुकसान हो कुछ हो, मतलब मार्केश दशा इज मेंटली काफी आप परेशान हो, किसी आदमी का ऑनर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो भी मृत्युतुल्य दशा होती है, तो वो भी ये मृत्युतुल्य। अब इसमें क्या है कि आपका एक तो कर्म अकॉर्डिंग टू आपको एडवाइस किया जाए, मान लो आपका कर्म शुड ऑलवेज बी गुड जी, कर्म ऐसा नहीं है कि आप यू शुड बी ऑनेस्ट ट्रूथफुल और कभी दूसरों का बुरा मत सोचो, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो और दूसरों के दोष भी मत देखो कि मतलब इसकी वजह से, ये मतलब सोचो कि हमारी ये स्थिति उसके कारण हुई है। जस्ट डू गुड थिंग, व्हाट इज गुड फॉर यू कीप डूइंग इट एंड साइमल्टेनियसली हैव फेथ इन गॉड, डू व्हाटएवर यू कैन, देन प्रोबेबली दैट पीरियड विल गो। क्योंकि आप अगर माइंड सारे टाइम उसमें देखो, एक तो ये भी हो जाता है साइकोलॉजिकल कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है एंड चीजें समय के साथ तो होती है। इस सभी आज एक वो है बहुत अच्छा चल रहा है बट आफ्टर दैट टॉप पोजिशन देयर विल बी डिक्लाइन, और अगर बहुत ज्यादा अगर वो है जी बुरा चल रहा है तो आफ्टर दैट ओनली गुड कैन हैपन, ये एक विचार रखना चाहिए। आई एम सॉरी बहुत लंबा कर रही हूँ शायद। नहीं, कोई बात नहीं, वो जरूर है। तो सर, तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे, आखिरी सवाल है इस विषय में जी। कोई नास्तिक है जी, तो क्या वो भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है? हाँ चले जाते हैं मेरे ख्याल से, जब मतलब पहले तो फिर नास्तिक लोग जो हैं उनको परेशान जब हो जाते हैं, जब उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार जो चीज नहीं हो पाती है, हाथ पैर मार के नहीं हो पाते, तो चले भी जाते हैं। तो सर, इन्होंने तो आपसे सेल्स और मार्केटिंग सीख लिया, आपने इनसे कितना ज्योतिष सीखा है? मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने, मेरा एक ड्राइवर्स लग है, मैं मतलब ड्राइवरों की किस्मत भी जो है कभी किसी की गाड़ी चलाते हुए खुल जाती है, तो हमारे एक मिनिस्टर भी हुए थे रेल के जो निशे कैफे के ड्राइवर थे कभी जी। तो मैं इनको छोड़ने लेने शुरू शुरू में जाता था, बाद में तो ये खुद जाते थे, तो मैंने इनके साथ जाते आते अलंकार, इन्होंने कहा खुद क्यों नहीं कुछ कर लेते जो बीच में टाइम खराब करते हो, तो मैंने अलंकार कर लिया साथ में, तो थोड़ा सा मैं कुछ भी सीख लिया, हालांकि मैंने उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि मैं इधर मैनेजमेंट वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व रहा, और अभी भी आपने देखा है कि मैं मैगजीन्स वगैरह में भी जो लिखता हूँ वो यूजुअली मैनेजमेंट, उसमें भी खासतौर पे ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा मेरा एम्फेसिस रहता है, क्योंकि मैं लोगों को
प्रिपेयर करने में बिल्डअप करने में ज्यादा मेरे को सर नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट हाउ डू यू वांट टू गिव टू दिस सोसाइटी अदर देन कोचिंग और हाउ आर यू गिविंग टू द सोसाइटी बैक व्हाटएवर यू हैव गॉट फ्रॉम द सोसाइटी मैं देखिए सबसे ज्यादा तो मैंने बहुत लंबे समय तक प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम किया और मैंने उस इंडस्ट्री के जरिए जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया में जो उस वक्त नहीं थी या जो सही लेवल पे नहीं थी उनको यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो मैं उस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा बहुत काम किया तो मैं बहुत सारी उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मैं शुरू से एसोसिएटेड रहा जो कि जरूरी नहीं था That was my way of giving back to the society or to the industry with which I was working. And in the process, I think we are somehow contributing also to the nation, to our society at large, because we are trying to help people find the right solutions, whether it is about, let's say, environmental issues or disposal issues and things like that. वो है और अभी इवन आफ्टर आई सुपरन्यूटेड फ्रॉम द कंपनी एंड लेफ्ट इट एंड आई वेंट इनटू कोचिंग आई कंटिन्यूड टू सर्व द द द प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड आई स्टिल कंसल्टिंग इज ओनली स्मॉल पार्ट बट आई कंटिन्यू टू वर्क विद द प्लास्टिक द ऑर्गेनाइजेशंस विद द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड आई कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट थ्रू आर्टिकल्स इन मैगजीन्स Plus, I still continue to serve them also in positions which are, well, I would say, in a way, I am asked to do because of the trust people place in me. And this is all pro bono work, and I just have to do stretch myself a little bit. But I love to do it because this is my way of giving back to the society. The industry with which I have lived and worked, with which, from where I earned my bread and from where I have stood on my feet all these years. I think it is, I make it my business to try to do something back for it. Very good. Sir, let me just read out some messages which have come from our guests. So Mr. Rajesh Sharma saying hello, Ms. Vinita Chopra saying namaskar to you. Madan Vaishnava, Rohini Chitle, Garima Punani, Supriya Shah, so true. What a wonderful thought. Actually, I misplaced for which thought she was talking about. So, but anyway, Mr. Manish Kakkar is watching. Extremely delighted to see three closely known persons in this candid chat. Please, sir, इसमें मेरे को भी शामिल कर लिया उन्होंने. बहुत अच्छा किया. वैसे मित्रों के लिए बता दूँ, Mr. Manish Kakkar ने मेरे को, Mr. Manish Kakkar had been working with me for 25 years in my professional life. And he introduced me to Rakesh Ji, so that's why I got Rakesh Ji here. Nanit Dasa, I hope I have read the name correctly. Supriya Shah, you have been an inspiration and a role model to everyone who has known you, and helping people is an intrinsic part of your magnanimous personality. Then Ajay Prakash Srivastav, great subject. Thanks a lot. ये compliment मेरे लिए है सर अनिल जी. बहुत अच्छे. You are doing really a good job. Madan Vaishnava, true sir. Suman Chatterjee, problem solving, going beyond structured SOPs is truly inspiring and commendable. This is what is the difference between training and coaching. Ajay Prakash Srivastav, thanks and regards to Rakesh ji and Neela ji for sharing their views. Tarun Vij is saying, hello, Suman Chatterjee. Every lower level manager should have a mentor in middle and top. Mentoring means going beyond office routine and taking care 360 degree. I find the ideas very human. Mr. Rajesh Sharma says, very well said. Rohini Chitle, great ambition to do the proposed plans. Appreciate your thoughts and experience, etc. Sir, Ms. Poonam Chauhan is watching. Rohini Chitle, appealing, graceful attitude leads to accomplish certain objectives and tasks. Just amazing.
Anil Kumar Singh is watching. Namaskar, he says. Rani Chitle, good willpower has been your intermediate connection through vibes in the universe. Actually, ma'am, ye aapke liye bol rahe hain. Bilkul. Rohini Chitle bol rahi hai, good willpower has been your intermediate connection through vibes in the universe, actually. Narinder Saxeria, namaskar, Narinder Saxeria. We love to see you live and good to know Anil ji. Oh, thank you. So, sir, kuch message aap dena chahenge hamare senior Swaayambhus ke liye ya jo log retire hone wale hain ya ho rahe hain. अपने नॉलेज के आधार पर और मैम आप अपनी साइंस के आधार पर पहले आप बोलिए. मैं तो बताएं जी, बीइंग अ लेडी, लेडीज को ये कह सकती हूँ कि कितने भी चाहे अपना प्रोफेशन या एम्बिशन हो, बट मेरा अपने व्यू है ये कि one should keep family priorities first and then profession for at least for a few years till the children are of certain age when they can be, I mean, thoda independent hone lage, samajhdar hone lage. But as long as they are small, they need the company of mothers. To thoda matlab apni ambition ko wo karna chahiye. Because there are a lot of things which we can do. Zaruri nahi hai ki hum work karke hi wo hamari ambition puri ho. Ma'am, during our interaction, you were talking about certain advice for parents. Aap batayengi kuch? Aap parents ke liye kuch advice dena chahti thi? Parents ke liye advice to... यही मतलब पेरेंट्स की यही मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वन शुड डिवोट टाइम विद किड्स. दे नीड द कंपनी ऑफ देयर पेरेंट्स. आजकल यही चीज सबसे कम देखने में आती है क्योंकि इतनी चीजें हो गई. एंड द चिल्ड्रन, टुडेज चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड. उनका वो चीज पोटेंशियल अगर पेरेंट्स बचपन में देखें तो थोड़ा उसमें वो हेल्प कर सकते हैं. दे कैन डिवोट टाइम उसको बढ़ाने के लिए. दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ. वो टाइम नहीं रहा कि हम लोग सोचे कि नहीं बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है. अब तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है. देयर आर सो मेनी वेन्यूज व्हिच आर अवेलेबल. सो आई थिंक आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इज वेरी वेरी. जी जी, एक्चुअली देखिए आप दिखता ही है वो तो टैलेंट कॉम्पिटिशंस को अगर देखो तो मतलब हैरानी होती है कि क्या टैलेंट है बच्चों में. हद से ज्यादा मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे बच्चों में टैलेंट्स हैं. तो थोड़ा तो उनको उन दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी थोड़ा उनको वो करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए. मैं अपना ही लंबा तो नहीं हो रहा है, मैं अपना बताती हूँ कि मेरी बेटी छोटी उसको उसका उसके अंदर मैंने टैलेंट देखा था म्यूजिक का. बहुत छोटी सी थी उस वक्त, वो कोई एक्सप्रेसिव नहीं थी और बहुत शाय किस्म की थी. क्लास 3 में थी शायद. तो स्कूल में एक हॉबी क्लास होती है तो उसने कोई हॉबी क्लास ले रखी थी. इतनी शाय थी कि बस एक दो फ्रेंड्स होती थी उनकी, मतलब शी वाज नॉट वेरी. तो एक बार आई तो बोली कि हमको सितार खरीद के दो, सितार खरीद के दो. मतलब मैंने कहा क्यों क्या वगैरह, पता लगा कि एनुअल फंक्शन होने वाला है और टीचर ने कहा कि जिसके पास सितार होगा फंक्शन में रखेंगे. और उसने ये है कि मतलब फ्रेंड ने लिया था इसलिए इसने लिया, लेकिन हम लोग ले आए. उसने कहा चलो इसको इनकरेज तो करना चाहिए. पर मैंने ये देखा कि उसने उस सितार के तार छेड़े और ओम जय जगदीश हरे की धुन निकाली उसमें, मतलब फर्स्ट टू लाइंस. तो मैं हैरान हो गई कि मतलब कभी हाथ में पकड़ा नहीं है और उसने निकाली है, तो दैट मीन्स शी हैज टैलेंट. फिर उसके बाद मैंने उसको ध्यान किया कि कहाँ कौन टीचर होगा वगैरह, इस तरह से मैंने प्रोवाइड किया. देन बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी मिले उनको, तो मैं जाके उसके साथ ये सब किया. मतलब कहने का मतलब ये कि नाउ शी इज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड शी इज अवर डॉटर. ये है तो इस तरह से करना चाहिए. वन शुड आइडेंटिफाई, पेरेंट्स ही देख सकते हैं वो तो.
मेरे को मेरी बेटी आज भी कहती है आप अगर सपोर्ट करते तो मैं शायद इंडियन विमेन क्रिकेट टीम में होती। वही तो होता है, वही होता है कि बाद में बच्चे कहते हैं आपने ये नहीं करवाया हमारा ये भी हो जाता है कई बारी ये हो जाता है कई बारी कि बच्चों को लगता है रे हाँ हमको डाटा क्यों नहीं, हमको कराया क्यों नहीं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा सीनियर सिटीजंस को खास तौर पे जी, एक तो सीनियर सिटीजंस कभी ये ना समझे कि वो बहुत बुढ़े हो गए हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि लोग बुढ़े तब हो जाते हैं जब अपने को बुढ़ा सोचने लगते हैं। तो अपनी सोच बुढ़ी नहीं होनी चाहिए। शरीर हमें याद दिलाता है कि हम बुढ़े हो रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है, लेकिन हमारे को अपनी सोच को बूढ़ा नहीं होने देना चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर उम्र में सीखते रहे और हर एक से सीखते रहे। कभी हमें ये अहम कार्ड नहीं होना चाहिए कि हमें ज्यादा पता है जी, और हमें हर चीज से हम सीख सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने कुत्तों तक को गुरु माना था, उसका कारण सभी को पता था, इसलिए सब जानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली चीज तो यह है कि अपने को दिमागी तौर पे जवान रखिए, यंग रखिए, और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जॉब से रिटायर होते हैं या बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेते हैं, खुद बच्चों के ऊपर बिजनेस छोड़ देते हैं, तो आप कभी लाइफ से रिटायर नहीं होते। इसलिए लाइफ तो आप जिंदा दिली से जिए, क्योंकि जीवन चलने का नाम, तो चलते रहिए और आगे हमेशा ये देखते रहिए कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई इमीडिएटली कोई ऐसा एवेन्यू नजर नहीं आता या कोई ऐसे कारण है जो हम नहीं कर सकते, तो हमारे पास घर में भी बहुत सारे एवेन्यू हैं। जैसे हम बच्चों के अंदर संस्कार डाल सकते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर बहुत से संस्कार डाल सकते हैं, हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जो हम दूसरे लोगों को भी एनकरेज कर सकते हैं करने के लिए। तो और हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं अपनी सोसाइटी में, बाहर हर तरफ, और अपने जहाँ भी हम रहते हैं अपने इमीडिएट नेबरहुड में हम ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम कर सकते हैं और लोगों को अपने साथ ले सकते हैं, लोगों के अंदर भी ये भावना जागृत कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने को बूढ़े न होने दें, ये सबसे अच्छा रहेगा सीनियर सिटीजंस के लिए। आप जो कह रहे हैं मैं भी कुछ कुछ वैसा ही कहना चाह रहा था, तो मैं एक थोड़ा सा शेयर करता हूं। तो दोस्तों जो बात हम कह रहे हैं वो ये है, ड्रीम्स आर रिन्यूएबल नो मैटर व्हाट आवर एज इज, दैट्स व्हाट राकेश जी जस्ट नाउ सेड, कि सपने अभी भी देखते रहिए। हिंदी में कहें तो सपने कुछ तो सच हुए ही है, और भी देखा करूं जरूरी है। बिल्कुल, जो ना मिला सो ना सही, जो पाया उसका एहसास जरूरी है। तो देखिए कि मुझे मिला क्या है। बिल्कुल, जिंदगी कभी कभी जवाब नहीं दिया तूने। हम अपनी जिंदगी से जब बात करते हैं तो कई बार लगता है कि जिंदगी ने वो नहीं किया जो हम चाहते थे, फिर भी तेरे नाम खत लिखना जरूरी है, फिर भी जिंदगी बात करनी चढ़ेगी, दैट कम्युनिकेशन हैज टू कंटिन्यू। बिल्कुल। तो अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं फिर कि हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से, देखा है आज खुद को पुरानी तस्वीरों में। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? छोड़िए इस बात को, चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, तुम हमें ढूंढो हम तुम्हें ढूंढते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो सर यही विचार थे जो आपके बाई द वे आज मैच कर गए। तो जाते जाते मैं अपने साथियों से कुछ कहना चाहूंगा। दोस्तों हम कोशिश करते हैं आपके सामने ऐसे लोगों को लाने की जिन्होंने अपनी जिंदगी से जो सीखा वो आज दूसरों को देने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं और खुश हैं। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन प्रोग्राम्स को देख करके हमसे जुड़ना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस आकर शेयर करना चाहेंगे, तो प्लीज़ ऐसा करें, हमारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट लिख दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे इन प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए। देखिए 2020 जो शायद कठिन समय था निकल रहा है, कोशिश करेंगे कि 2021 में इस प्रोग्राम की रूपरेखा भी कुछ बदले। अभी नहीं कह सकता क्या होगा, अभी तो एक सप्ताह बाकी है, अगला सप्ताह तो हम लोग मिलेंगे, उसके बाद नए साल में शायद नई रूपरेखा से जुड़ें,
तो अपने सुझाव भेजते रहिए, आप जुड़ना चाहते हैं तो बताइए, आप प्रोग्राम पर आना चाहते हैं या आप किन्हीं को जानते हैं जिनको प्रोग्राम पर आप भेजना चाहते हैं तो हमें बताइए और हम आपके सभी सुझावों का स्वागत करते हैं। आज के लिए एक बार फिर से राकेश जी, नीला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद।